لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين فلن تجد له وليًا مرشدًا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عادى لي وليا فقد آزنته بالحرب صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم دوستو بھائیو اور بزرگو बात चल रही थी कि इस दुनिया में अल्लाह पाक का हर बंदा हर मुसलमान ये चाहता है कि वो अल्लाह पाक का दोस्त बन जाए अल्लाह का ख़ास बन जाए और अल्लाह का मुकर्रब बन जाए। अब जो अल्लाह का मुकर्रब बनता है जो अल्लाह का ख़ास बनता है इसी बंदे को कहा जाता है कि फलां बंदा वली है औलिया अल्लाह में से है अल्लाह का ख़ास है। और ये बात भी अर्ज़ हुई थी कि इस उम्मत की हिदायत के लिए एक सिलसिला अल्लाह पाक ने नबूवत का जारी फरमाया और एक सिलसिला अल्लाह पाक ने विलायत का जारी फरमाया, लेकिन दोनों में फ़र्क यह है कि नबूवत गैर इख्तियारी चीज़ है, अपने इरादे से अपनी मेहनत से अपने आमाल से अपनी रियाजत से अपने कस्ब से चाहे बंदा कितना ही मुत्तकी और साहिब आमाल हो लेकिन ये नबी नहीं बन सकता। इसलिए कि नबूवत ये वहबी है, अल्लाह पाक जिसको देना चाहते हैं उनको दे देते हैं, लेकिन विलायत ये कस्बी है, इसको इंसान आमाल के ज़रिए से अपनी हिफाजत के ज़रिए से तक्वा और तहारत के ज़रिए से हासिल कर सकता है और वो अल्लाह पाक का वली बन जाता है, औलिया की फहरिस्त के अंदर शामिल हो जाता है। दूसरा अहम फ़र्क ये है कि सिलसिला नबूवत की तकमील हो गई, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का सिलसिला मुकम्मल हो गया। शख्स ये दावा करे कि मैं भी नबी हूँ या मुझे भी नबी बनाया गया है तो ऐसा शख्स ये कज़्ज़ाब कहलाएगा, ये झूठा कहलाएगा। और ख़ुद जनाब हदीस पाक में पेशनगोई फरमाई थी कि मेरे बाद इस दुनिया में 30 झूठे दज्जाल पैदा होंगे, सलासूना कज़्ज़ाबूना दज्जालूना कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबीयुन अला व अना खातमुन नबीयीन अला नबीय बादी। मेरे बाद 30 झूठे दज्जाल आएंगे, उनमें से हर एक ये दावा करेगा कि वो नबी है
लेकिन सुन लो, आगाह हो जाओ कि मैं खातमुन नबीयीन हूँ। नबी तो सिलसिले नबूवत की तकमील हो गई, लेकिन सिलसिले विलायत क़यामत तक चलेगा। ये बात याद रखें, सिलसिले विलायत क़यामत तक चलेगा। हर दौर में हर जगह पर ऐसे लोग, ऐसा तबका होगा कि जो अपनी हिफाजत करेगा, अल्लाह तक पहुंचने की कोशिश करेगा, गुनाहों से अपने आप को बचाएगा, अपने दिल की सफाई करेगा। और ये तबका औलिया अल्लाह का तबका होता है। इसलिए उलमा ने लिखा है कि ये जुमला कहना गलत है, इंसान को एहतियात करनी चाहिए कि भाई अब तो कोई नेक आदमी अल्लाह का वली नहीं आ सकता। बाज़ दफ़ा जब हम किसी से धोखा खा लेते हैं, नुकसान हो जाता है, और उस आदमी का हुलिया, चेहरा, मोहरा नेक लोगों वाला हो, तो हम तरंग में आकर कहते हैं बस जो आने थे आ गए, अब क़यामत तक कोई नहीं आ सकता है, सब फ्रॉड है। ये जुमला ख़तरनाक है दोस्त, इसलिए कि क़ुरान करीम में अल्लाह पाक फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन। ए ईमान वालो, तकवा वाली ज़िंदगी इख्तियार कर लो। लेकिन तकवा तक रसाई कैसे मुमकिन है आसानी से? फरमाया उसका तरीक़ा ये है कि वकूनू मअस्सादिकीन, मेरे नेक बंदों की सुहबत में शामिल हो जाओ, उनके साथ बैठ जाओ। तो अब देखें, जब मुत्तकी बनने का हुक्म क़यामत तक है, ऐसा ही है ना, क़ुरान करीम का हुक्म ख़त्म तो नहीं हुआ इत्तकुल्लाह के, तकवा वाली ज़िंदगी इख्तियार कर लो। जब ये तकवा का हुक्म क़यामत तक चलेगा, इसी तरीके से उस मुत्तकी बनने का जो नुस्खा अल्लाह पाक ने तजवीज़ फरमाया कि नेक बंदों के साथ, सालिहीन के साथ शामिल हो जाओ, तो उलमा ने फरमाया इससे ये नतीजा निकलता है कि सालिहीन और अवलिया का तबका भी क़्यामत तक चलेगा। ये तो नहीं हो सकता कि एक आदमी किसी को नुस्खा दे दे, लेकिन वो नुस्खा बनाएगा कौन, वो दुनिया में नहीं है। तो विलायत कसबी है दोस्तों। और मैंने पिछले जुमे अर्ज़ किया कि चूंकि हमारे जहनों में बहुत सारी कमज़ोरियाँ पैदा हो चुकी है, और एक तसव्वुर हमारे माशरे में बना है, तो एक तसव्वुर ये भी हमारे यहाँ ज़िंदा है कि शायद ये जो अल्लाह के ख़ास बंदे हैं, चाहे गुज़र चुके हैं चाहे मौजूदा है, तो ये बनते हैं किसी ख़ास तरतीब पर, ये कहीं से हो के आते हैं, या इनका कोई ख़ास ख़ानदान होता है, या ये सैयद होंगे तो बन सकेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। जो चीज़ इस दुनिया के अंदर कस्बी है, यानी अपनी मेहनत से इंसान हासिल कर सकता है, वो हर बंदा हासिल कर सकता है, बशर्ते कि वो उस दर्जे की मेहनत कर ले, मेहनत कर ले। इसीलिए आपसे एक कॉल अर्ज किया था, अगर आप साथियों को याद हो, कि हज़रत मुजद्दिद अल्फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात फरमाई थी कि इस उम्मत का हर मोमिन बंदा वो बिलकुवा अल्लाह का वली है। बिलकुवा यानी उसमें ये सलाहियत मौजूद है कि ये अल्लाह का वली बन जाए, लेकिन बिलफेल ख़ास ख़ास लोग होते हैं। बिलफेल उसको कहते हैं जो फिल वक्त उस हालत में हो। और मैंने उस वक्त आप साथियों से हाथ उठाए थे, अगर याद हो, कि भई आप में से हाजी साहिबान कौन कौन है, कहा था ना। अब जो हजरात, जो अहबाब हज कर चुके हैं, अल्लाह सबको तौफीक नसीब फरमाए,
तो जो हज की सआदत हासिल कर चुके हैं वो कहलाएंगे कि ये हाजी हैं, हाजी बिलफेल कर चुके हैं। लेकिन जिन्होंने अभी तक नहीं किया लेकिन करने की सलाहियत तो उनमें मौजूद है, सेहत है, ताकत है, अकल है, कमाने वाली ज़िंदगी है, हो सकता है 2 साल में, 3 साल में, 1 साल में, अल्लाह का फ़ज़ल जल्दी हो जाए इसी साल में और उसके पास असबाब पूरे हो जाए, वो दाखिला कर ले, उसका नाम आ जाए, चले भाई इस साल ये भी हाजी बनने जा रहे। फ़र्क समझ गए दोस्त? तो एक होता है जिसने वो काम कर लिया हो, एक होता है जो वो काम कर सकता है। तो हज़रत मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि इस उम्मत का हर मोमिन बंदा बिलकुवा तो अल्लाह का वली है, बन सकता है, इसको किसी ने नहीं रोका, न कोई चीज़ इसके लिए मानिअ और रुकावट है। लेकिन बिलफेल मौजूदा कितने वली दुनिया में हैं वो ख़ास ख़ास होंगे कि जिन्होंने वाकई अपने ऊपर मेहनत की है, रियाजत की है, क़ुरबानी दी है, तक्वा तहारत पाकीज़गी का अहतमाम किया है, अल्लाह के मुकर्रबीन बन चुके हैं, वो कहलाएंगे वली बिलफेल। और हम जो बन सकते हैं हम कहलाएंगे वली बिलकुवा। तो इसलिए मेरे अजीज़ों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, इस गलती की या गलत फहमी की इस्लाह फरमाए। एक बहुत बड़े मजमे और तबके के जहन में ये बात होती है और होती इसलिए है कि हमारा माहौल इन चीज़ों की बुनियाद पर अपनी ज़िंदगी को आसान कर रहा है। अब मुझे पता है कि मेरे सामने जो मजमा बैठा है जिसने आधे घंटे बाद सुननी है और हफ्ते में एक दिन आना है यहाँ पर, तो अगर खुदा न खास्ता, अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए, मेरे दिल में कोई खोट फसाद आ जाए तो मैं कहूँ कि भाई इनको एक ऐसी कहानी सुनाऊँ, ऐसी बातें बताऊँ, ऐसा इनके जहनों को माउफ करूँ कि बस ये समझ जाएं कि अब अगर काम बनना है तो उसका यही तरीक़ा है। और मेरा मकसद उसके पीछे ये कि ये साथी अगर इस काम पे आ जाएंगे तो अपनी दाल रोटी भी चल पड़ेगी। तो ये हकीकत है दोस्तों, ये मानना पड़ेगा। आज हम जहनी तौर पर इतने पसमानदा और जाहिल हैं, जहनी तौर पे, जाहिरी तौर पे नहीं होंगे, जहनी पसमानदगी का ये आलम है कि जब तक हमें मिंबर और कुर्सी पर बैठा हुआ शख्स ये ना कहें कि भाई आपने फलां काम नहीं किया तो आप तो जहन्नम ही हो गए, आपने अगर फलां के तरीके को नहीं पकड़ा तो आपकी निजात का तो कोई रास्ता नहीं है आपके पास, तो वो झूठी सच्ची कहानियां हैं, मनगढ़ंत बातें हैं। इतनी समझदारी अपने अंदर पैदा करें दोस्तों कि जो अल्लाह के मुकर्रबीन होते हैं वो इस मकाम क़ुर्ब को हासिल कर चुके होते हैं अपनी अमली ज़िंदगी से, अपनी अमली ज़िंदगी से उन्होंने मेहनत की है, रातों को जागे हैं, अल्लाह के सामने रोए हैं, ख्वाहिशात नफ्स से अपने आप को बचाया है। उनके मकाम को बयान करने के लिए वो मेरी झूठी सच्ची बातों के कोई मोहताज नहीं कि मैं कहूँ नहीं, जब तक मैं ये करामतें उनकी बयान न करूँ उस वक्त तक ये मजमा मुतासिर नहीं होगा। इस मजमे पर असर डालने के लिए, इसको मुतासिर करने के लिए मुझे ऐसी कहानी बनानी पड़ेगी कि ये वाकई झूम कर जाए यहाँ से और इसको यकीन हो जाए कि भाई जब तक ये काम नहीं होगा तो किसी का बेड़ा भी पार नहीं। इसलिए मेरे अजीज़ों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, ये वो बातें हैं जो आज समझना बहुत ज़रूरी है। विलायत और अल्लाह का वली बनना ये न किसी नसब का, न किसी ख़ानदान का, न किसी बड़े बाप का, न किसी कौम का, न किसी मुल्क का, न किसी ख़ास तौर तरीक़े का मोहताज है। वली कौन बन सकता है और वली बनने का तरीक़ा क्या है,
वो आज की मजलिस में बिल्कुल इख्तिसार से आपके सामने अर्ज होगी बात। आप हजरात थोड़ा सा जहन को हाजिर रखेंगे। अब ये जो विलायत है जिसने क़यामत तक चलना है, एक विलायत है विलायत आम्मा और एक है विलायत खासा। विलायत आम्मा वो हर ईमान वाले के पास है दोस्तों, इसलिए कि कुरान करीम में अल्लाह पाक ने फरमाया अल्लाहु वलीजुल लबीना आमनू, कि अल्लाह पाक दोस्त हैं किन के? ईमान वालों के, सबके लिए फरमाया। इस आमनू में कोई तख्सीस नहीं है कि फलां है और फलां नहीं है, इसमें उमूम है। अल्लाह दोस्त है ईमान वालों के। तो उलमा ने इस आयत के ज़ेल में लिखा है कि इससे ये बात साबित हो गई कि अल्लाह की उमूमी विलायत तो हर उस बंदे को मिल जाती है जिसने कलमा पढ़कर अल्लाह को अपना रब मान लिया। ये विलायत आम्मा है, ये इस बंदे को मिल जाती है। और मिलती किस बरकत से है? ईमान की बरकत से मिलती है। ईमान सिद्क़े दिल से कलमा पढ़कर मोमिन जो बनेगा वो आम वली तो बन चुका है, इसलिए कि कुरान ने कहा है अल्लाह का दोस्त बन जाता है, आम दोस्त बन चुका है अल्लाह पाक का, और इसके अंदर कोई शक भी नहीं हो सकता है। लेकिन ये विलायत विलायत आम्मा है, इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि चूंकि हर कलमा गो मुसलमान जिसके अकीदे की इस्लाह हो चुकी हो, हर ऐसा मुसलमान विलायत आम्मा हासिल कर चुका है, लिहाजा उससे नफरत करना जायज़ नहीं, उससे नफरत करना जायज़ नहीं, उससे मोहब्बत करनी है, इसलिए कि वो भी अल्लाह पाक का वली होता है। और हमारे बुज़ुर्गों में गुज़रे हज़रत शेख बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, शेख बायजीद बुस्तामी, बुस्ताम जगह की निस्बत से बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने अपने मलफूजात के अंदर लिखा है कि हर मोमिन बंदा वो अल्लाह पाक का दोस्त और वली बन जाता है, और हर मोमिन बंदे से अल्लाह पाक मोहब्बत फरमाते हैं। तो किसी ने इनसे पूछा कि हज़रत आप तो बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं, बहुत गौर से सुनने की बात है दोस्तों, आप तो बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं कि हर मोमिन बंदे से अल्लाह मोहब्बत फरमाते हैं, अल्लाह उससे मोहब्बत करते हैं, आपको कैसे पता चला? तो हज़रत ने फरमाया कि मुझे ऐसे पता चला कि जो किसी से मोहब्बत करता है और उसको अपना महबूब बना लेता है, तो महबूब को जितना भी दे दे उसको कम लगता है। नहीं समझे बात दोस्तों? भाई एक है मोहब्बत करने वाला, ये कहलाता है मुहिब, एक है जिससे मोहब्बत की जा रही है वो है महबूब। तो हज़रत ने फरमाया अल्लाह मुहिब है और हम सब अल्लाह के महबूब हैं। पूछने वाले ने पूछा आपको कैसे पता चला? फरमाया उसूल ये है कि मुहिब अपने महबूब को जितना भी दे दे लेकिन वो क्या कहता है कि मैंने कम दिया है, मैंने बहुत कम दिया है। आप भी दुनिया में देखें ना, आप अपने वालिदैन के लिए, अपने शेख के लिए, अपने उस्ताज के लिए या जिससे मोहब्बत करते हो उनके लिए आप बहुत कुछ जमा करके ले जाएंगे, वो आपसे कहेंगे भाई ये इतना सारा क्यों? तो आप क्या कहते हैं? हज़रत ये तो कुछ भी नहीं है। कहते नहीं कहते दोस्तों? हज़रत ये तो कुछ भी नहीं है। हालांकि आप अपनी वसअत के बकदर जितना ले जा सकते थे ले गए, लेकिन चूंकि आपका महबूब है तो बहुत कुछ देकर भी आपको वो दी हुई चीज़ कलील लगती, वो कम लगती है। लेकिन अगर इसके उलट हो जाए
कि एक दिन वो महबूब कोई चीज़ उठाकर अपने मुहिब को दे दे और मौत थोड़ा सा दे दे। तो महबूब के हाथ से जो चीज़ मिलती है ना, अगरचे वो बहुत मामूली हो, हल्की आम सी चीज़ हो, लेकिन ये मुहिब आकर लोगों से क्या कहता है, भाई आज तो हज़रत ने हमें नवाज दिया, आज तो हज़रत ने कमाल कर दिया, भाई हमारी तो चांदनी हो गई, भाई क्या हुआ, भाई मुझे कंधे का रुमाल दे दिया, मुझे मिसवाक दे दिए, मुझे खुशबू दे दिए। ऐसा भी है या नहीं है दोस्तों? अब देखिए ना, दोनों बातें दुनिया में राइज है। मुहिब सब कुछ लुटा कर देकर भी कहता है बहुत कम है, महबूब थोड़ा सा भी उसको दे दे तो क्या कहता है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा दिया है। तो हज़रत ने उस साहिल से कहा कि भाई ये बात तो आपकी समझ में आई? उसने कहा ये तो आ गई। कहा अब मैंने दावा किया था कि अल्लाह पाक मोहब्बत करने वाले हैं अपने बंदों से, अब कुरान करीम से पूछो अल्लाह पाक की नेमतें कितनी है। وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, फरमाया अगर तुम अल्लाह के नेमतों की गिनती करो, शुमार करना चाहो तो नहीं कर सकते। सब कुछ दे दिया है, लेकिन अल्लाह पाक ये सब कुछ देकर क्या फरमा रहे, मताउद दुनिया कलील, ये दुनिया की दी हुई ये सारी चीज़ें क्या है, बहुत थोड़ी है, ये बहुत थोड़ी है। अल्लाह ने सारी दुनिया अपने बंदों पे लुटा दी है, सब कुछ दे दिया है, लेकिन चूंकि मोहब्बत है तो फरमा ये सब दुनिया देकर भी अल्लाह क्या फरमा रहे हैं कि बहुत थोड़ा सा दिया है, और इसके बदले में जब ये ईमान वाला अपने उस मुहसिन हकीकी को थोड़ा सा याद करता है, थोड़ा सा, आज अगर एक बंदा कहे कि जी मैं बहुत ज़्यादा जिक्र करता हूँ, बहुत ज़्यादा अल्लाह को याद करता हूँ, कितना करेगा दोस्त, 1,000 मरतबा, 50,000 मरतबा, 1,00,000 मरतबा, कितना भी कर ले, आप दिल पे हाथ रख के बताएं अल्लाह पाक के एहसानात का हक अदा हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। तो हम जो थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं ना, 100 दानों की एक तस्बीह हाथ में पकड़ लेते हैं, और उसमें भी पता नहीं दिल में कितने जज्बात साथ लेके घूम रहे होते हैं, लेकिन जब ये बंदा थोड़ा सा अल्लाह पाक का जिक्र कर ले तो अल्लाह पाक इन बंदों की तारीफ़ फरमाते हैं, वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात, फरमाए मेरे बाज बंदे ऐसे जो बहुत कसरत से मुझे याद करते। उस कम को भी अल्लाह पाक ने किससे ताबीर किया, कसरत से ताबीर किया। इसलिए मेरे अजीज़ों दोस्तों बुज़ुर्गों, एक बात समझ कर जाएं कि विलायत आम्मा तो सबके पास है, जिसने कलमा पढ़ लिया, जो अल्लाह पर ईमान ले आया वो अल्लाह पाक का वली बन गया है, और जिसने नहीं पढ़ा तो वो इस नेमत से भी महरूम हो जाता है। एक है दोस्तों विलायत खासा, और जो इस वक्त हमारा मौजू है वो ये है कि बाज़ ऐसे लोग होते हैं जो ख़ास वली होते हैं, जिनकी विलायत वाकई ऐसी होती है कि दुनिया में उनका चर्चा होता है, दुनिया में उनका डंका बजता है, दुनिया उनके नाम की आशिक बन जाती है, पूरी दुनिया में उनका फैज़ फैलता है। ये वली होते हैं, लेकिन वली ये ख़ास होते हैं। जैसे हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी निस्बत का महीना शुरू हुआ है, अब हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई तैयारी कर रहे हैं कि हज़रत पीरान पीर महबूब सुबहानी शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह खासा है, उनके पास जो विलायत है वो तो विलायत खासा है कि लाखों करोड़ों इंसानों की इस्लाह आज तक लोगों के दिलों पर हुकूमत करते हैं, आज तक उनके सिलसिले का, सिलसिले क़ादरिया का फैज़ पूरी दुनिया के अंदर चल रहा है। जो हमारे तसव्वुफ़ के 4 सलासिल है, सलासिल अरबा जो कहलाते हैं, 4 सिलसिले,
उन चारों के अंदर सिलसिला कादरिया की एक अलग शान है दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं। तो इतनी सारी निस्बतें और इतनी सारी सआदतें जिस हस्ती से चली है तो वो मामूली इंसान तो नहीं है, तो बहुत बड़े इंसान हैं। अल्लाह पाक ने उनसे बहुत बड़ा काम लिया है। लेकिन अब सवाल ये है कि विलायत खासा आम बंदे को मिल सकती है या नहीं मिल सकती। असल मसला ये है, चूंकि हमारे जहनों में एक बात इस तरह बिठा दी जाती है कि भाई ये शायद एक खास तबके के लिए है, बाकी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है दोस्त, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो इन हजरात की जिंदगियां दरवेशाना ना होती। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी दरवेशी वाली ना होती। इंशाल्लाह उस पर तरतीब से हम बात करेंगे आगे जुमों में, चारों सलासिल पे। लेकिन सिर्फ इतनी बात समझ लें कि विलायत खासा कब मिलती है और किसे मिलती है, यह भी कुरान करीम ने हल किया। पर मैं इन औलिया उहू इल्लल मुत्तकून, एक लफ्ज फरमाया, एक लफ्ज, इन औलिया उहू इल्लल मुत्तकून। पर मैं जो अल्लाह के खास बंदे होते हैं, खास दोस्त होते हैं, इसको बनने के लिए शर्त यह है कि उनके पास तकवा वाली जिंदगी हो, मुत्तकून और कुछ भी नहीं। इसलिए जो हमारे जहनों में एक तस्वुर और कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है ना कि भाई विलायत के लिए शायद कुछ खास करना पड़ता है, कुछ हवा में परवास करनी पड़ती है, कुछ इमारतों को गिराना पड़ता है, किसी को दबाना पड़ता है, शायद पानी के ऊपर चल के जाना पड़ता है, या हाथ उठाए तो दुआ को फौरन कबूल करवाना पड़ता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये विलायत नहीं है और न विलायत इन बातों की मोहताज है। विलायत जिस चीज की मोहताज है और वली बनने के लिए जो नुस्खा है वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ तकवा है दोस्तों, कि एक मुसलमान अपने दिल की इतनी सफाई कर ले, अपने ऊपर इतनी मेहनत कर ले, अपने जिस्म के एक एक उज़्व को गुनाह से इतना बचा ले कि वाकई ये शरीयत इसकी तबीयत का हिस्सा बन जाए और अल्लाह के नाम के अलावा किसी चीज में इसको लुत्फ ना आए, अल्लाह की दोस्ती के अलावा और कोई दोस्ती को खातिर में न लाए, खास अल्लाह का बनकर ही रह जाए, ये विलायत होती है दोस्तों, विलायत खासा। हमारे बुजुर्गों ने लिखा कि कुरान करीम में अल्लाह पाक ने इसको समझाने के लिए फरमाया, असलम काला असलम तो लिरब्बिल आलमीन। वली ये खास वो होता है कि जिससे जब अल्लाह पाक कहे कि बंदे झुक जा तो ये कहता है असलम तो लिरब्बिल आलमीन, मैं तमाम जहानों के रब के सामने झुक गया हूं। इसकी अपनी ख्वाहिश नहीं होती, अपने तकाजे नहीं होते, अपनी पसंद नापसंद नहीं होती, बल्कि ये कहता है भाई जिसका हो गया हूं जैसे वो कहेगा मेरी जिंदगी उसी तरह गुजरे। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, भाइयों और बुजुर्गों, विलायत आम्मा तो सबके पास है ईमान की बरकत से, लेकिन हमें विलायत खासा की फिक्र करनी है। और विलायत खासा के हुसूल का जो तरीका है वो क्या अमल है दोस्तों, तकवा है। इन औलियाउहू इल्लल मुत्तकून। तो जब मोमिन बंदे की जिंदगी में तकवा आ जाए, लेकिन तकवा बराए लफ्ज नहीं, बराए हकीकत, वाकई जिसको तकवा कहते हैं, तो ये बंदा अल्लाह पाक का वली खास बन जाता है, खास दोस्त बन जाता है। अब जितने बड़ों के हम तस्किरे करते हैं, जिनका नाम लेते हैं, और आज दुनिया में जिनका फैज़ आम है, ये वली ख़ास थे दोस्तों सारे।
और वली ख़ास बनने के लिए इन्होंने तक्वा वाली ज़िंदगी इख्तियार की। तो ये हम में से हर एक की ज़िम्मेदारी है कि जो नुस्खा अल्लाह पाक ने कुरान करीम में तजवीज़ फरमाया है कि ये मोमिन बंदा तक्वा तहारत का पाकिजगी का एहतमाम कर ले, तो ये मेरे ख़ास बंदों की फहरिस्त के अंदर शामिल हो जाए। हर मुसलमान इसकी फ़िक्र करे, अपनी हिफाजत करे। सिर्फ लफ्जी ज़बानी बातों पर ज़िंदगी बहुत गुजर गई दोस्तों, अमली ज़िंदगी की तरफ आए। अल्लाह करीम मुझे भी आप सबको सही अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व आलिही व असहाबिही अजमाईन। या अल्लाह या अरहमर रहीमीन, हमारे सगीरा कबीरा ज़ाहिरन बातिनन हर तरह के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह पूरी उम्मत के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सही और सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा दे। पूरी ज़िंदगी तक़वा तहारत जितने बीमार घरों में अस्पतालों में जितने मरहूमीन मरहूमात दुनिया से चले गए, अब्बास सबकी मग़फ़िरत फरमा दे। हम सब का खातिमा बिल ईमान व बिल फरमा दे। हमारी दुआओं को अपने फ़ज़्ल व करम से, फ़ज़्ल व रहमत से अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा दे। सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व आलिही व असहाबिही अजमईन। रहमतुल्लाह।